इसकी कंपनी में 1000 लोग हैं, 700 से ज्यादा शार्प शूटर हैं, 11 स्टेट में इसके हैंडलर हैं और 6 देशों में लॉरेंस का गैंग ऑपरेट करता है। गैंग के पास एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियार हैं। लॉरेंस के गुर्गों के पास AK-47 है, AK-56 है, असॉल्ट राइफल है, टर्की में टिसास पिस्टल है, ग्लॉक पिस्टल मौजूद है और यहाँ तक की ग्रेनेड लॉन्चर भी है। चंडीगढ़ में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में RPG हमले में लॉरेंस के लड़कों का ही नाम आया। मनसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली। साथ ही साथ सलमान खान के घर की फायरिंग में भी लॉरेंस गैंग का ही नाम आता है और यहां तक कि सलमान खान को धमकी भी लॉरेंस ही देता है। बम्बिया गैंग के सुखू दुनके का कनाडा में मर्डर हो जाता है, नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। बाबा सिद्दीकी का मुंबई में मर्डर हो जाता है, नाम चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। गुनहा कहीं भी हो, कैसा भी हो, बड़ा या छोटा, नाम एक, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो आखिर ये मर्डर कौन करा रहा है, गोली कौन चला रहा है, सुपारी कौन उठा रहा है, पैसा कौन दे रहा है, हथियार कहां से आते हैं और हर बार निशाना इतना सटीक कैसे लग जाता है, ये सब काम करते हैं लॉरेंस के लड़के। कौन है लॉरेंस बिश्नोई के लड़के, आखिर कैसे होते हैं रिक्रूट और कौन करता है इन्हें ट्रेन, इन तमाम सवालों के जवाब एक एक लड़के का चेहरा होगा बेनकाब आज तहकीकात में। गोलियां चल रही हैं मुंबई में, गोलियां चल रही हैं दिल्ली में, गोली चल रही है पंजाब में, गोलियां चल रही हैं हरियाणा में, गोलियां चल रही हैं राजस्थान में और गोलियां चल रही हैं कनाडा में। इन सब के पीछे कौन है, नाम सिर्फ एक है, लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई। फोन की घंटी बजती है, लड़के तैयार रहते हैं, मैसेज मिलता है, गोली चल जाती है, मर्डर हो जाता है। इन सब के पीछे कौन है, नाम सिर्फ एक है, लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई तकरीबन पिछले 10 साल से जेल में बंद है, सुरक्षा पुख्ता रहती है, लिहाजा जेल में बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जेल से बाहर आ जाता है, इससे पता चलता है कि लॉरेंस के सामने सिस्टम भी खौफ खाता है। पिछले तकरीबन 10 साल से जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग मेंबर की संख्या 30-40 से बढ़ाकर 700 कर ली। आखिरकार ये कैसे मुमकिन है, लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ भारत में ही सुपारी नहीं लेता बल्कि विदेश में भी ऑपरेशन करा देता है। लॉरेंस के गैंग में ऐसे लोगों की फौज है जो लॉरेंस के एक आदेश पे किसी को कहीं भी या तो मार देते हैं या फिर मरवा देते हैं। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर शुभजीत सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या, इसके पीछे कौन, एक नाम, लॉरेंस बिश्नोई। 20 सितंबर 2023 को बम्बिहा ग्रुप के सुखदूल सिंह उर्फ सुखू दुनुके का कनाडा में मर्डर, इसके पीछे कौन, एक नाम, लॉरेंस बिश्नोई। 25 नवंबर 2023 को कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग की जाती है, इसके पीछे एक ही नाम आता है, लॉरेंस बिश्नोई। 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में हत्या हो जाती है, सिर्फ एक नाम आता है, लॉरेंस बिश्नोई। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के मुंबई के घर के बाहर गोलियां चलाई जाती हैं, गोली चलाने वाले कौन, इसके पीछे भी एक ही नाम, लॉरेंस बिश्नोई। 12 सितंबर 2024 को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम कारोबारी नादिर शाह की हत्या कर दी जाती है, हत्या कराने वाला कौन, एक ही नाम, लॉरेंस। 2 सितंबर 2024 को कनाडा में पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों के घर पर फायरिंग होती है, यहां भी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग लेता है।
12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक ही नाम आता है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जरायम की दुनिया में इस वक्त नंबर टॉप पर है और वो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग अभी भी एक्टिव है। उसके खौफ का आलम यह है कि अधिकारी भी बात करने से कतराते हैं और बिजनेसमैन उसके फोन कॉल से ही दहशत में आ जाते हैं और नेता उसका नाम लेने से हिचकिचाते हैं। इसके पीछे वजह है कि जो भी नाम उसकी डायरी में एक बार नोट हो जाता है तो समझो उसकी छुट्टी तय है। और उसके जो गैंग मेंबर्स हैं उनको खास संदेश है कि जिसका नाम की सुपारी उन्होंने ली है उसकी सांस तब तक बंद ना हो जाए तब तक गोलियां रुकनी नहीं चाहिए, और जिसके नाम की एक बार सुपारी ले ली तो वो इस दुनिया में नहीं रहा है। दिल्ली में जिम मालिक के मर्डर में 11 राउंड गोलियां चली, नादिर शाह की बॉडी में 8 गोलियां, बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस के शूटरों ने 6 गोलियां मारी, सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस के गुर्गों ने 24 गोलियां मारी थी, सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड गोलियां चलाई गई। मारने वाले शूटर्स की उम्र 18-19 साल, 20 साल, 25 साल और 26 साल की है। किसी का पहला मर्डर तो किसी का दूसरा मर्डर, लेकिन इन सब के पीछे एक ही नाम है, लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस जेल में है, लेकिन जेल से कैसे गैंग को ऑपरेट कर रहा है? लॉरेंस जेल में बैठे बैठे दुनिया में कैसे कहीं भी मर्डर करवा देता है? लॉरेंस के शूटर्स यंग लड़के हैं, कैसे जेल में बैठकर रिक्रूट कर लेता है? लॉरेंस के लड़कों को ट्रेनिंग कैसे मिलती है? मोटिवेट कौन करता है? लॉरेंस के गुर्गों को हथियार कौन देता है? सप्लाई कहां से होती है? जिस लॉरेंस को दाऊद से बड़ा गैंगस्टर आंका जा रहा है, उस लॉरेंस की, उसके पूरे नेक्सस की पूरी तहकीकात जो आपको चौंका देगी। आपको पता चलेगा कि कैसे गैंगस्टर के आगे सिस्टम सरेंडर है, जेल के भीतर से एक ऑर्डर पर ही मर्डर है। लॉरेंस की बोली और गोली कभी चूकती नहीं है। उसने एक बार जिसको टारगेट पर लिया उसके गुर्गे उस आदमी का काम तमाम कर देते हैं, और उसके इसी एक्यूरेट क्राइम रेट की वजह से अब वो खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लॉरेंस तो जेल में बंद है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसने किस तरह से अपना इतना बड़ा जुर्म का साम्राज्य खड़ा कर लिया। दरअसल उसकी ताकत है उसके लड़के। पुलिस रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुनिया भर में 700 शूटर्स लॉरेंस के गैंग में मौजूद हैं, और लॉरेंस का एक ऑर्डर उनके लिए पत्थर की लकीर होता है। लॉरेंस के एक ऑर्डर पर वो मर्डर कर देते हैं, और इन्हीं के सहारे लॉरेंस जेल में बैठकर भी अपना खौफ और अपना जुर्म का साम्राज्य कायम किए हुए हैं। लॉरेंस के इस नेक्सस को उसके बेहद करीबी और भरोसेमंद लोग लीड करते हैं। लॉरेंस जेल से जिसके नाम का मैसेज देता है उसका काम तमाम हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, हाशिम बाबा, संपत नेहरा, रोहित गोदारा, काला जठेड़ी, अनमोल बिश्नोई, अनिल रोहिल, राहुल बाबा, मोनू डागर, सचिन बिश्नोई, काली शूटर, काला राणा, नवीन बालियान, विशाल कालू, प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा, विकास सिंह, गुरमेल सिंह, हरीश बालकराम, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, मोहम्मद जीशान अख्तर, शुभम लोनकर, प्रवीण लोनकर, ये तो वो हैं जिनके नाम एजेंसियों के लिस्ट में हैं, जो या तो जेल में हैं या अंडरग्राउंड हैं या फिर विदेशों से नेक्सस चला रहे हैं। करीब ऐसे ही 700 शूटर्स की फौज का आका है लॉरेंस बिश्नोई। 70% शूटर्स लॉरेंस के गैंग में पंजाब और हरियाणा से जुड़े हैं। 30% शूटर राजस्थान, यूपी, मुंबई, दिल्ली और दूसरे स्टेट से हैं। देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सी बातें आती हैं कि इनके कितने शूटर्स हैं। बहुत से लोगों ने तो 700 शूटर्स की बात की, लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इसके फॉलोवर्स हैं, कितने हैं वो अलग बात है, बट कैन नॉट बी 700 तो हो नहीं सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो जो इन्होंने एक्ट किए हैं, चाहे विदेश में किए हैं चाहे देश में किए हैं, वो करने के बाद इन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई करने के काम बहुत ज़रूरी किया है, और वो ग्लोरीफाई इसलिए किया है कि इनको पैसे की जहाँ भी ज़रूरत होती पैसा इनको मिलता रहे, और इनके साथ में काम करने वालों का भी कॉन्फिडेंस बनता रहे। जो इनके साथ में, जो इनके कहने पे जो काम करते हैं, तो वो आदमी भले ही एक बार काम किया
अरेस्ट हो गए, जैसे बॉम्बे वाले में काम करने वाले अरेस्ट हो गए, उसके बाद फिर और भी नए नए तैयार हैं, फिर कोई काम करेंगे और अरेस्ट हो जाएंगे। तो इन लोगों को किसी केस में अरेस्ट होने से कोई डर नहीं है, ये मैं साफ बताता हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, वरना तो और नहीं क्यों करेंगे। जब कोई भी क्राइम ऐसा करते हैं, कहते हैं हमने कराया है। 700 शूटर्स, वेयर आर दे, जो ये 700 शूटर्स हैं वो हैं कहाँ? 700 शूटर्स अगर आप काउंट कर रहे हैं कि 700 शूटर्स हैं उसके अलेज्ड गैंग में, तो 700 शूटर्स के आप नाम भी तो दे दो। ऐसा कोई एक भी नाम एनआईए की चार्जशीट में रिवील्ड नहीं है। और जहां तक बात है कि एनआईए ने जो लॉरेंस बिश्नोई की सो कॉल्ड बी कंपनी जो उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया, दैट इज नॉट अ नेम गिवन बाय लॉरेंस बिश्नोई और समवन एल्स, दैट इज गिवन बाय एजेंसी इटसेल्फ, कि जो उसकी बी कंपनी है उसको दाऊद की कंपनी से कंपेयर किया है। दाऊद तो कभी आज तक अरेस्ट ही नहीं हुआ था। और लॉरेंस बिश्नोई, जिसको आपने इतना बड़ा ड्रेडेड गैंगस्टर डिक्लेयर कर दिया है, वो तो पिछले 10 साल से कस्टडी में है। तो कहां से किस वे से कंपेयर कर रहे हैं? और पूरी चार्जशीट में सिर्फ कंपैरिजन है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन। देयर इज नॉट अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट लॉरेंस बिश्नोई। 700 शूटर्स लॉरेंस के इतने भरोसेमंद हैं, उनके लिए लॉरेंस के आदेश का मतलब पत्थर की लकीर, जिसका एक ही मकसद होता है ऑपरेशन को पूरा करना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे ज्यादा लड़के पंजाब और हरियाणा के हैं। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट लाइफ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट लीडर्स के संपर्क में आया, जिनको लॉरेंस के अंदर एक स्पार्क दिखा। कम उम्र के लड़के जल्द पैसा कमाने और नाम बनाने की चाहत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होना चाहते हैं। लॉरेंस के कमांडर ऐसे ही लड़कों की तलाश करते हैं जिनको लॉरेंस गैंग में शामिल कराया जाता है। लॉरेंस के टॉप गैंग हैंडलर्स हरियाणा में काला जठेड़ी, अनिल रोहिल और राहुल बाबा मेन हैंडलर हैं। पंजाब में गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, काली शूटर और कुछ लोकल गैंग भी लॉरेंस के लिए काम करते हैं। इनमें अब कुछ जेल में हैं या फिर विदेशों में हैं। कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई कोई गैंगस्टर हैं, वो अपने नाम को बड़ा परचम में ले जाते हैं। आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसी स्टेज पर आया हुआ लग रहा है। अब ये देखा जाए कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया छोटे से स्तर से। आपको जैसे मालूम होगा कि कॉलेज लाइफ में जब ये वहाँ DV कॉलेज में लॉ कर रहे, बल्कि इसने लॉ किया है, तो वो करते करते वहाँ पर यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में इसने भाग लिया और वहाँ पर शायद हार गया था। फिर उसके बाद अपने अपोजेंट राइवल को उसने गोली चलाई और उसके बाद ये अपराध की दुनिया में एंटर कर गया। और तभी से फिर ये, इसके और कोई साथी थे, इसके क्लास फेलो रहे हैं जो कि गोल्डी बरार, संपत नेहरा और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि इनके साथ में रहे, जो आज की दुनिया में, आज की डेट में वो भी अच्छे गैंगस्टर्स के नाम में आते हैं और इसके साथी कहलाए जाते हैं कि ये उनके साथी हैं। तो अभी उससे, उस इंसिडेंट के बाद इसका दिल बढ़ गया और उसके बाद फिर क्राइम की दुनिया में आता रहा। और क्राइम में जेल में जाने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि जेल में जाके या तो आदमी सुधरता है या उसका ग्रेजुएशन हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा तरक्की कर लेता है अपने क्राइम की दुनिया में। तो ये उस लाइन की बात मैं कर रहा हूँ कि जेल में जाने के बाद और ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होना पाया गया है। पर सब में खास है लॉरेंस गैंग का हैंडलर गोल्डी बराड। फिलहाल गोल्डी कनाडा में है, कॉलेज लाइफ से ही गोल्डी लॉरेंस के साथ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश इसी ने रची थी, जिसमें लॉरेंस के साथी विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या में मूसेवाला की कथित भूमिका का हवाला दिया गया था। इसी ने पिछले साल बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को गैंग का अगला टारगेट बताया। रैपर हनी सिंह को भी गोल्डी ने ही जान से मारने की धमकी दी थी। गोल्डी के कनाडा में शिफ्ट होने के बाद इस गैंग का इंटरनेशनल नेक्सस एक्टिव हो गया। गोल्डी कनाडा से ही बैठकर एक्सटॉर्शन और किलिंग की सुपारी लेता है और किस अंदाज में खौफ फैलाता है, हमारी तहकीकात में उसका एक ऑडियो सैंपल मिला है, जिसे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉरेंस के ये गुर्गे किस तरह से दहशत का कारोबार बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में नादिर शाह मर्डर में कारोबारी कुणाल छाबड़ा का नाम सामने आया था, जिसमें दावा किया गया था कि छाबड़ा से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी, लेकिन नादिर के बीच में आने से बिश्नोई को रकम नहीं मिली, इसलिए नादिर का मर्डर हुआ। दुबई में रहने वाले कुणाल छाबड़ा ने यह बात कबूली भी थी कि लॉरेंस ने 22 और 23 मई 2023 को कॉल करके
ढाई करोड़ रुपए मांगे थे। हाँ जी, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लाइट जला रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हो? नहीं पता नहीं चला क्या, समझ ही नहीं आ रहा था, लाइट इतनी पड़ रही थी। अब आवाज भी बड़ी कट रही है आपकी। अब गाड़ी साइड लगा लूं? नहीं नहीं, लगा ली मैंने गाड़ी, साइड लगा ली। हाँ जी, अब आदेश करो क्या करना है। अब पहचान लिया मैंने। नहीं नहीं, चमत्कार क्यों, हमें हमें चमत्कार देखने की जरूरत है? हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। तो भाई फिर देख लिया तो अपने ना, उसमें रहना, तेरे को बोला था शक्ल देखने के लिए, लोग तरसते और पैसे पड़ जाते हैं। आप देख लो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दो थोड़ा टाइम मैं कर देता हूँ। मेरे को आप कब फोन करोगे मुझे ये बताओ, मैं अभी दुबई आया हूँ। नहीं नहीं, अरे मतलब मैं आ जाऊंगा ना इंडिया, 5 तारीख को इंडिया आ जाऊंगा अगले महीने। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, ये वीडियो कॉल तब की है जब गोल्डी बरार ने इससे पैसे मांगे थे, लेकिन जब उसने आनाकानी की तो दावा यह है कि इसने जेल से वीडियो कॉल किया था। इसके बाद गोल्डी बराड़ ने धमकियां दी थी। किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई कारोबारियों को धमकाता है ये सुनिए। उस वीडियो कॉल के बाद फिर से गोल्डी बराड़ का फोन आया। हाँ जी हाँ जी, हाँ भाई, तो भाई मान लिया फिर आप? नहीं नहीं, मान लिया, अपने देख लिया भाई को। देख लिया हमने, देख लिया भाई को। चल सही है, बिना बात भी भाई करते नहीं, तेरी प्रोटेक्शन तेरे को हम देंगे, जितने भी कॉल आते तेरे को, मैं कुछ भी आते मेरे को कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जो तेरे को परेशान करता है, जो तेरा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ठीक है? मैं समझ गया, दिक्कत किसी चीज की नहीं बनानी, तो ठीक है भाई, जो हमारे काम है वो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हारी है तुम कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, जहाँ भाई तू 4-5 करोड़ रुपये बच्चों की बात, चलो। नहीं नहीं, 4-5 नहीं, एक 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 ही लगाया। गलत बोल रहा हूँ भाई, चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल। एक ही लगा सिस्टम है, गलत बोल रहा हूँ, ये चीज मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, पर ये भी देख वो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल, सारे काम जरूरी है लाइफ में, आगे बढ़ना तो सबके साथ लेके बढ़ना। मैं नहीं चाहता भाई आगे बात बढ़े, ठीक है? नहीं नहीं, अपना प्यार से सारा कुछ हो जाए, उसकी वैसी बात नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है भाई जी। क्योंकि तेरी ये लगा रही भाई, यहाँ तक तू कितने बार टॉयलेट जाता है, इतनी तक की डिटेल है भाई के पास, ठीक है? बिल्कुल, सब कुछ है, बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद की टी शर्ट पहनना और जेल से देशभक्ति के गाने गाना, नए लड़कों को ये दिखाना कि इसके साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन फिर किसी भी कारोबारी से उगाही करना, ये तो सर एक माइंडसेट है कि आप क्रिमिनल हैं। देखिए, ये सब चीज़ें आपने जो बताई है ना, इन सब चीज़ों करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसा, कोई इनका बिजनेस तो चल नहीं रहा, कोई इनका इंडस्ट्री नहीं चल रही, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है जहाँ से पैसा कमाएं। पैसे इस, ये सारे काम करने के लिए, आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कितनी इंपॉर्टेंट जो वेपन इस्तेमाल हुआ था, उस वेपन को इंडिया में तो मिलता नहीं है, बाहर से आएगा, या बाकी जो इन्होंने गोली चलानी है या किसी को वो करना है तो वेपन्स की ज़रूरत है। नंबर दो, इनके साथ जो काम करने वाले उनको पैसे की ज़रूरत है। नंबर तीन, जब ये फरारी काटते हैं, यानी कि जो किसी केस में वांटेड हो जाता है उसको फरारी काटते हैं, उसमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा तो चाहिए ना, अपनी कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए फिर ये सारा चीज़ ये करते हैं। नो डाउट कि जो सलमान खान का एक पर्पज़ है, उसको थ्रेट करने का पर्पज़ है उसका, लेकिन बाकी काम करने के लिए इनको पैसे की जरूरत है, और वो पैसा फिर करने के लिए फिर ये सारी चीज़ें करते हैं। जेल में है, अगर कुछ ऐसा है तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील होकर आ जाएगा कि जेल से आया है या किसी और ने किया है या कैसे किया है। और जहां तक रही बात आवाज की, सर मिमिक्री भी एक चीज होती है, तो आप सेम आवाज कोई भी किसी की कॉपी कर सकता है, जिसके पास वो टैलेंट है वो कॉपी कर सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा कि वाकई ही अगर लॉरेंस की आवाज है
तब भी सामने आ जाएगा, और अगर लॉरेंस की आवाज है तो ये कहां से है, कैसे है, तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लॉरेंस के गैंग का हैंडलर रोहित गोदारा, ये लॉरेंस का खास दोस्त है, पंजाब से रिश्ता है, फिलहाल अमेरिका में है। लॉरेंस गैंग के लिए विदेश से फोन पर कारोबारियों सटोरियों को धमकी देता है, पैसों की उगाही करता है। डब्बू देख ले मेरा भाई, तेरा रिप्लाई आ गया ना तो ठीक है, नहीं तो मेरा भाई तेरे को कल को फेक कॉल लगे ना तो एक बार प्रशासन में तेरे डीएसपी एसपी कोई जानकार होगा मेरी आवाज है ना, एक बार कंफर्म करवा लेना ठीक है। और भाई कोई गलतफहमी मत रहना कि चलो फोन आ गया तो छोड़ देंगे, हम तो परछा ही है, पीछा नहीं छोड़ते ठीक है। अगर घर परिवार की सही सलामती तेरे को रखनी है तो मेरा भाई बात कर लेना। धमकी भरा जो ऑडियो आपने सुना, ये लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास दोस्त रोहित गोदारा का है, जो फिलहाल अमेरिका के अंदर मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, तो फिर उसके एक्सटॉर्शन के रैकेट को कौन हैंडल कर रहा है और किस तरीके से हैंडल कर रहा है? तो हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के ऐसे कई खास दोस्त हैं जो इस वक्त विदेश के अंदर मौजूद हैं, और विदेश में बैठकर वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक्सटॉर्शन यानी कि धमकी भरे कॉल करते हैं। हमारी तहकीकात में लॉरेंस बिश्नोई के ऐसे कई हैंडलर्स मिले हैं जिनकी बदौलत लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त देश का नंबर वन डॉन बन चुका है। लॉरेंस गैंग की तहकीकात में हमें और भी कई चेहरों की लिस्ट मिली, जिसमें ये वो कुख्यात गैंगस्टर थे जो लॉरेंस की फेवरेट लिस्ट में टॉप 10 में आते हैं। संपत नेहरा चंडीगढ़ में डीएवी स्कूल में लॉरेंस के साथ था। रेडी मूवी की शूटिंग के दौरान इसने सलमान खान के घर की रेकी की थी, लेकिन पिस्टल की रेंज के चलते यह हमला नहीं कर पाया था, फिर अरेस्ट हो गया था। हरियाणा का गैंगस्टर काला जठेड़ी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस इसे बड़ा भाई मानता है, न ये लॉरेंस की बात को नकारता है और न लॉरेंस इसकी। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है, जेल में था, 2021 में जमानत पर आया, फर्जी वीजा पर कनाडा भाग गया, फिलहाल अमेरिका में है। बाबा सिद्दीकी के शूटर्स के फोन से पता लगा कि अनमोल ने ही स्नैपचैट पर बाबा सिद्दीकी और जीशान की फोटो भेजी थी। सिद्धू केस और कई केसेस में लॉरेंस को विदेश से अनमोल हैंडल करता है। ये जो बाबा सिद्दीकी वाला मैटर है, इसको मैं सिर्फ एक सेंटेंस में कंक्लूड करूंगी। जो भी ये सब आ रहा है मीडिया पर कि उसमें जीशान की और बाबा सिद्दीकी की फोटो भेजी गई स्नैपचैट पे, किसने क्या डिस्क्लोज किया, दैट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अभी चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा था, सरकारी वकील के या मेरे कहने से कहां कुछ होता है। इन इंडिया वी आर हैविंग रूल ऑफ लॉ, देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग। जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर आप किसी पुलिस वाले से किसी भी केस में जाके पूछे कि सर इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसका क्या फेट है या इसका क्या स्टेटस है, दे विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग अनलेस चार्जशीट इज फाइल्ड। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक्टिवेट करने वाले यही टॉप मोस्ट हैंडलर हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट में इन सभी ने ही लॉरेंस के नाम से गैंग को मजबूत किया, लेकिन लॉरेंस गैंग के टेरर का सबसे ज्यादा चर्चा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हुआ, जिसमें मारने वाले शूटर्स को कोई जानता नहीं था। कम उम्र के लड़कों और नए लड़के जो छोटे मोटे अपराध में शामिल थे या एक हत्या का इल्जाम था, ऐसे ही लड़कों को सेलेक्ट करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सुपारी दी गई। लॉरेंस गैंग का शूटर प्रियव्रत फौजी हरियाणा का रहने वाला है। प्रियव्रत फौजी ने ही सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी थी। मूसेवाला मर्डर के अलावा फौजी पर 11 मामले दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को मानसा के गांव जवारके में की गई थी। प्रियव्रत फौजी ने सिद्धू मूसेवाला की बॉडी में पहली गोली मारी थी। फौजी पहलवानी करता था, खेल कोटे से सेना में भर्ती भी हुआ। पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी, वहीं से उसने 10वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके बाद वो सेना की नौकरी छोड़कर गांव लौट आया। इसके बाद उसने साथियों के साथ जुलाई 2015 में शराब के नशे में धुत रहने वाले एक शख्स की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसे जेल भेजा गया तो उसकी पहचान लॉरेंस गैंग के कुछ साथियों के साथ हुई, जिसके बाद जेल से बाहर आकर उसने एक के बाद एक कई वारदात को अंजाम दिया। मूसेवाला हत्याकांड में सोनीपत जिले का रहने वाला अंकित सिरसा भी शामिल था। अंकित 18 साल की उम्र में ही हार्डकोर क्रिमिनल बन गया था। लॉरेंस गैंग के खास माने जाने वाले मोनू डागर के संपर्क में आने के बाद उसने राजस्थान में दो वारदातों को अंजाम दिया। जब सिरसा की मोनू डागर से मुलाकात हुई, वो तब जेल में था।
मोनू के जरिए वो अनमोल और अंकित के टच में आया और वहां से वो हाई प्रोफाइल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का हिस्सा बन गया। लॉरेंस बिश्नोई की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसका भाई अनमोल बिश्नोई, जो इस वक्त गैंग का सबसे बड़ा और एक्टिव मेंबर बना हुआ है। वो सलमान खान के घर हुई फायरिंग की प्लानिंग में भी सस्पेक्ट है, तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में भी उस पर शक जताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई ने ही शूटर जिशान को बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी की फोटो मुहैया कराई थी। एजेंसीज के लिए अनमोल बिश्नोई तक पहुंचना इसलिए भी चुनौती है क्योंकि वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठकर अपने इन सारे काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस गैंग की बढ़ती ताकत के बाद एजेंसीज पर सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एजेंसीज कर क्या रही हैं। लेकिन अब एजेंसीज ने फुल ऑन एक्शन मोड अख्तियार कर लिया है और लॉरेंस गैंग पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका ने मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई की अमेरिका में मौजूदगी की जानकारी दी है और मुंबई पुलिस ने अब प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू कर दी है। काले हिरण केस के बाद लॉरेंस गैंग के नंबर वन दुश्मन सलमान खान बने हुए हैं। संपत नेहरा के पकड़े जाने के बाद विशाल कालू को सलमान की सुपारी दी गई थी। अप्रैल में हुई सलमान खान के घर के बाहर की फायरिंग में शूटर विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया था। कालू लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा का खास शूटर है। लॉरेंस के एसोसिएट रोहित गोदारा से इसकी पहचान जेल में बंद उसके एक दोस्त ने करवाई थी, जिसके बाद कालू ने रोहतक के स्क्रैप कारोबारी सचिन गोदा की हत्या कर दी थी। लोगों ने इनको इंटरोगेट किया था किसी और केस के उसमें, क्योंकि इसका नाम प्रचलन में होगा, इसे ऑन भी किया था कि ये मैंने करवाया है। उस दौरान इसको स्पेशल सेल में लाया गया था और उसकी इंटरोगेशन से बिल्कुल इंटरोगेशन रिपोर्ट जिसको IR का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें इसने माना है कि हाँ हमने प्लानिंग की थी, रेकी की थी और वो भी पर्पज़ यही था कि किस प्रकार से हमें बदला लेना है काले हिरण के शिकार के हत्या का। उसके लिए इन्होंने जो प्रण किया हुआ था उस टाइम पे धमकी भी दी थी और उसके बाद माना, तो रेकी कराना स्वाभाविक बात है। ये उन लोगों के जो भी इनके साथी जो बाहर हैं उनको डायरेक्शंस तो जाती रहती हैं कहीं कहीं से, और जो विदेशों में बैठे हैं पहले उनको डायरेक्शन आती है, फिर ये उनको ब्रीफ करता है, फिर यहाँ पर इसके काफ़ी शूटर्स हैं जो अभी बाहर रहते हैं उनको डायरेक्शन दी थी, जैसा कि बाद में अभी मुंबई में शूट आउट हुआ है या उसके सलमान खान के घर के बाहर कभी शूट आउट हुआ था। तो इन सब बातों को देखते हुए ये लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं इस लाइन पर ज्यादा सीरियस है और इस पे ज्यादा काम हो रहा है इसकी तरफ से। मतलब जिसने लॉरेंस गैंग की बात मान ली उसकी जान बच गई, जिसने आनाकानी की वो मारा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन शूटर्स को जेल के भीतर ही गैंग में भर्ती कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इनका पता लगा पाना बेहद मुश्किल होता है और जब ये शूटर्स जमानत पर बाहर आते हैं तब वो बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई इसकी वजह का अब तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन इन शूटर्स के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध की बात सामने आ गई है। तहकीकात में ये भी पता चला है कि अनमोल बिश्नोई ने इस पूरी हत्या का रोड मैप बनाया था और इन गुर्गों को भी उसने ही तैयार किया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में पंजाब में जालंधर के गांव शंकर के रहने वाले जीशान अख्तर का नाम सामने आया। जीशान अख्तर ने हत्या से पहले रेकी और हत्या के समय तक की सारी रिपोर्ट लॉरेंस के भाई अनमोल तक पहुंचाई थी। हत्या को लेकर सारा कोऑर्डिनेट जीशान ने किया। जीशान पत्थर लगाने का काम करता था। वो टारगेट किलिंग, हत्या और डकैती सहित 9 मामलों में वॉन्टेड है। इसी साल वो 7 जून को जेल से बाहर आया था। जालंधर देहात पुलिस ने जिशान को आखिरी बार गिरफ्तार किया था और उसने पूछताछ में इस बात को कबूला था कि लॉरेंस गैंग के सरगना विक्रम बराड़ के कहने पर उसने राजस्थान और पंजाब में एक के बाद एक 9 वारदातों को अंजाम दिया और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो लॉरेंस की गुड बुक में आ सके। उसके बाद विक्रम बराड़ के कहने पर ही सौरभ महाकाल के साथ मिलकर उसने तरन तारण में पहली हत्या की थी। सौरभ महाकाल वही है जो सलमान खान के घर धमकी भरा पत्र फेंकने और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हथियार मुहैया कराने से लेकर आरोपियों के रहने के लिए जगह मुहैया करवाने तक में शामिल था। मुंबई पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जीशान अभी भी फरार चल रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में कैथल के गुरमेल ने गोली चलाई थी। बहराइच के हरीश बालकराम ने प्लानिंग की थी। बहराइच का ही रहने वाला एक शूटर शिव कुमार फरार है, जबकि गोली चलाने वाला धर्मराज कश्यप गिरफ्तार है। शुभम लोनकर और उसके भाई प्रवीण लोनकर ने फेसबुक पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। शुभम फरार है,
जबकि उसका भाई प्रवीण लोनकर गिरफ्तार है। दोनों लॉरेंस गैंग के क्लोज हैं। लॉरेंस गैंग के हैंडलरों ने क्रिमिनल्स का इस्तेमाल दरअसल बिल्कुल नए तरीके से अननोन क्रिमिनल्स के तौर पर शुरू कर दिया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग की भूमिका सामने आ जाने के बाद से एक तथ्य ये भी सामने आया है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा लॉरेंस गैंग अब उत्तर प्रदेश से भी लड़कों की भर्ती कर रहा है और इस भर्ती के लिए हर राज्य में लॉरेंस गैंग ने एक हैंडलर को नियुक्त कर रखा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कैसे बहराइच के लड़के लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए, लेकिन हमारी तहकीकात में एक नाम जो सामने आया है, जो इस पूरी कड़ी में मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहा है, वो विकास सिंह का हो सकता है। विकास सिंह पर मई 2022 में मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमले में शामिल लॉरेंस गैंग के दो गुर्गों को शरण देने का आरोप है। इसी केस में एनआईए ने विकास सिंह को गिरफ्तार भी किया। पूछताछ में एनआईए को पता चला कि विकास सिंह ने लॉरेंस गैंग के गुर्गों को अपने यहां शरण दी थी। कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता है, उनके हालात बन जाते हैं और इनके भी यही हालात रहे होंगे कि जेल में जब एक बार अपराध की दुनिया में कदम रख लिया उसके बाद और आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने साथी मिले और ऐसे साथी भी ऐसे ही अगर मेंटेलिटी के होंगे, इसी प्रकार की वो सोच रखते होंगे कि आगे हमें क्राइम की दुनिया में आगे हमने प्रोफेशनल एक तरीके से निकाल जाता, जिसको कहते हैं क्राइम भी एक प्रोफेशन हो गया और ऐसा प्रोफेशन हो गया इसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट तो कुछ करना नहीं है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें लॉस का भी कोई चांस कम है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो इनको लगा कि हम अगर क्राइम की दुनिया में अगर ग्रेजुएशन करेंगे या और ज़्यादा ऊंचा नाम कमाएंगे तो हमको और ज़्यादा प्रॉफिट या फ़ायदा मिलता रहेगा और पैसे आते रहेंगे और उस पैसे के बलबूते पे वो अपनी पूरी फौज तैयार कर लेंगे, यानी कि अपने फॉलोवर्स जिसे कहते हैं क्रिमिनल्स को फॉलो करने वाले वो तैयार कर लेंगे। उसमें काफ़ी कुछ हद तक सोशल मीडिया का भी हाथ रहा है। सोशल मीडिया में इसके बहुत से यूट्यूब पे आप देखें कितने आपके इसके पिक्चर्स मिलेंगे, इसके वीडियोस मिलेंगे जिसमें वो इस प्रकार से अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है, यानी कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्राइम से बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदा नहीं है। एक ज़माना था जब कोई क्राइम करने वाला आदमी शर्मिंदा होता था कि मेरे पे क्राइम का केस बन गया है और उसके समाज के लोग भी समझते थे कि यार ये तो आदमी क्रिमिनल आदमी है, उससे नफरत करते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसे समाज में जिस समाज से ये आता है उसमें इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि हाँ ठीक है ये हमारे समाज का बहुत बड़ा एक नामी एक बदमाश हो गया, यानी बदमाश हो गया या अपने समाज को ऊंचा ले जाने वाला हो गया जो हमारे समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो उस लिहाज से भी इसी लिहाज को लेते इसी बात को देखते हुए इसके फॉलोअर्स इसको ज्यादा पसंद करते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई में आखिर ऐसा क्या है कि उसका गैंग लगातार बढ़ता ही जा रहा है? आखिर लॉरेंस में ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है कि कम उम्र के लड़के उसके गैंग में शामिल होते जा रहे हैं? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जो मॉड्यूल है वो एकदम अलग है। ये लड़के लॉरेंस का नाम लेकर रील्स बनाते हैं। लॉरेंस के हैंडलर्स इन रील्स को देखकर इन्हें रिक्रूट करते हैं और इनको ट्रेनिंग भी बिल्कुल हाईटेक अंदाज में दी जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इनका ब्रेन वॉश इस कदर ऐसे कैसे हो जाता है कि वो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चंद साल पहले तक लॉरेंस गैंग में महज 30 से 40 एक्टिव मेंबर थे, लेकिन अब उनकी तादाद करीब 1000 तक पहुंच गई है, जिसमें 700 तो शूटर्स हैं। ज्यादातर शूटर्स यंग एज के लड़के हैं। अब सवाल उठता है कि एक डॉन, एक गैंगस्टर में ऐसा क्या अट्रैक्शन है जिससे यंग लड़के जुड़ जा रहे हैं? इसको समझने के लिए हमने अपनी तहकीकात शुरू की। हम सोशल मीडिया की साइट्स पर गए तो हमें कुछ ऐसे वीडियो मिले जो इस सवाल का सीधा जवाब थे। ऐसे दर्जनों प्रोफाइल मिल जाएंगे जिसमें किसी ने लॉरेंस बिश्नोई न्यूज नाम से प्रोफाइल बनाई है, कोई लॉरेंस बिश्नोई का जलवा है इस प्रोफाइल पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लिख रहा है। सलमान खान जी रोहवे, बिश्नोई भाई ही रोहवे। यंग एज के लड़के लॉरेंस बिश्नोई को लेकर गाने बना रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई में इन लड़कों का क्रेज नजर आ रहा है। लॉरेंस कंपनी के रिक्रूटर ऐसे ही प्रोफाइल पर ध्यान रखते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई में स्वैग देखते हैं, और अगर इनमें से कोई लड़का छोटे मोटे क्राइम में जेल जाता है तो लॉरेंस के गुर्गे उस पर लॉरेंस के तिलिस्म का जाल फेंक देते हैं। कैसे रिक्रूट करता है लॉरेंस का जेल नेटवर्क? लॉरेंस गैंग के गुर्गे जिस जेल में बंद रहे वहाँ उसने छोटे मोटे जुर्म करने वाले कैदियों,
खासकर नाबालिग या युवाओं से दोस्ती बढ़ाई। फिर लॉरेंस बिश्नोई के किस्से कहानी सुनाकर गैंग के वर्चस्व का हवाला देकर उनको बड़े बड़े सपने दिखाए कि कैसे कम वक्त में पैसे के साथ जराइम की दुनिया में नाम कमाया जा सकता है। लॉरेंस की सोशल मीडिया वीडियो रील्स दिखाकर ये उनको अपने वश में कर लेते हैं। इसके बाद उन नाबालिगों को गैंग के लिए भर्ती किया जाता है। सोर्सेस की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए दो चार नहीं बल्कि 500 से ज्यादा नाबालिग देश की अलग अलग जेलों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, जिनके अलग अलग कोड नेम रखे गए हैं। गैंग में भर्ती नाबालिगों के कोड नेम होते हैं, किसी का डेविल है, किसी का बॉबी, किसी का रॉकेट और किसी का गोगो रखा हुआ है। ऐसे नाम वाले अनगिनत लड़कों का सोशल मीडिया पर ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर जरूरत के मुताबिक शराब कारोबारी से फिरौती, बिजनेसमैन से वसूली, वसूली न मिलने के एवज पर उसके घर दफ्तरों पर फायरिंग, टोल प्लाजा के मालिक, बड़े दवा कारोबारी, कार शोरूम के मालिक, बड़ी गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक से वसूली में इन्हीं नाबालिगों का इस्तेमाल किया जाता है। मकसद जो आपने पूछा वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले धमकी देना, धमकी नहीं पे धमकी पे कोई रिएक्ट नहीं करता तो उसके बाद उसको चमकाना और इस खास तौर से उसका अपना ये कई बार तो ये समझते हैं ना बिजनेसमैन या दूसरे लोग कि ऐसे धमकी उसके नाम से दे रहे हैं तो अपने फोटो उसमें डाल के दिखाना ये उसको साबित करता है कि वास्तव में ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से है, कोई ऐसे कोई और किसी आदमी की तरफ से नहीं है। तो इस बात को साबित करने के लिए ये सारा प्रचलन में है और ख़ास तौर से जब आदमी ऐसी धमकियां देता है और जैसे आपने दाऊद का नाम लिया उस टाइम पे दाऊद का ने भी ऐसा ही था, सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। दाऊद किसी को भी धमकी देता था तो उसको जो चाहे वो मिलता था, एक्सटॉर्शन मनी हो, चाहे वो टारगेट किलिंग का पैसा हो या चाहे कैसे भी हो, वो सब मिलता था। उसी लाइन पे कहीं ना कहीं अब लॉरेंस बिश्नोई अब जा रहा है और इसको अपना को हर गैंगस्टर ये चाहता है कि अपना मैं लाइमलाइट में रहूं और जब तक वो ऐसी धमकियां नहीं देगा या ऐसी धमकियों को वास्तव में ही उसको किसे कहते हैं कार्यान्वित नहीं करेगा तब तक उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो ये वास्तव में ये करके दिखाना चाहते हैं कि हमने धमकी दी थी। पंजाब हरियाणा के अलावा लॉरेंस गैंग का एक और सेफ टापू है जो मध्य प्रदेश के मालवा में है। मालवा में एक वक्त में देश के सबसे कम उम्र के खूंखार गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की तूती बोलती थी। सोशल मीडिया पर उसको फॉलो करने वालों की लंबी फैन फॉलोइंग थी। अपने उम्र से ज्यादा लंबी उसके जुर्म की फेरिश्त थी जो दुर्लभ कश्यप और उसके गैंग आंखों में सुरमा और माथे पर लाल तिलक और कंधे पर गमछा डालकर चला करते थे और गैंग का नारा था महाकाल। बिल्कुल उसी तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नारा है जय बलकारी। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सोशल मीडिया विंग के हैंडल करने वाले गुर्गे अब दुर्लभ कश्यप के नाम से दर्जनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक करने वाले लड़कों को कॉन्टेक्ट करते हैं। बिश्नोई गैंग ने इनको अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है, फिर इन्हें बिश्नोई गैंग में भर्ती कराया जाता है। अब सवाल है कि लॉरेंस जेल में है, उसके गुर्गे जेल में है, फिर सोशल नेटवर्क साइट से ये इन लड़कों को कैसे तलाश लेते हैं। हमारी तहकीकात में एकदम हैरान करने वाली बातें सामने आई। पता चला कि ये गुर्गे जेल के भीतर हाईटेक डिवाइस का यूज करते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं जिससे पुलिस और एजेंसियों को पकड़ना आसान नहीं होता। दूसरे कैदियों के मोबाइल फोन में अक्सर हाई एंड वीपीएन नेटवर्क लगे होते हैं ताकि उनके आईपी पते और उन लोगों की जगह को छिपाया जा सके जिनसे वो बातें करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई भारत और विदेशों में अपने साथियों से बात करने के लिए सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल करता है। क्योंकि बिश्नोई गिरोह का जाल कई देशों खासकर उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई अक्सर अपने भाई अनमोल और साथियों गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के साथ ऐसे ही कॉन्टेक्ट में रहता है। सिस्टम का फेलियर की जहाँ तक बात है कि ये बात तो तय है कि अगर फोन मोबाइल फोन जेल में बैठा हुआ आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोबडी कैन से कि नहीं ऐसा नहीं है। उस सिस्टम की फेलियर क्यों है, किस वजह से है, वो आगे विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, जो विदेश में जो बैठे हुए कॉल कर रहे हैं वो कॉल तो विदेश वाले करेंगे तो फ्री हैं, वो कोई जेल में तो है नहीं। एक तीसरा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो ऐप्स में आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन कहाँ से क्या बात कर रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। उस ऐप्स का नंबर भी कहीं रिकॉर्ड में नहीं आया, CDR में जैसे आ जाता है वो भी नहीं आता है।
तो ऐसी ऐसी ऐप से बात करते हैं बहुत से लोग, जिससे अपने आप को डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे कैसे क्या करना है। और ये जो जेल से बैठकर वीडियो कॉल करना या ऑडियो कॉल करना या किसी को थ्रेट करना या किसी को डायरेक्शन देना अपने आदमियों को, ये तो तभी संभव होगा जब मोबाइल फ़ोन उसके पास होगा। और वो मोबाइल फ़ोन कैसे वहाँ तक पहुँचता है, कैसे उसको अलाउ कर दिया जाता है, ये एक विषय अलग से है। ये हमारी सुरक्षा एजेंसी और जेल अथॉरिटीज़ को देखना है होगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर आम आदमी के दिमाग में ये आता है तो कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है किसी प्रकार की। हैरान करने वाला सवाल ये है कि लॉरेंस के लड़के कैसे शूटर्स बन जाते हैं, जिनका अपराध में एक्सपीरियंस छोटे मोटे गुनाह का बस रहता है, या फिर कोई एक या दो मर्डर में शामिल रहते हैं। कौन इन्हें ट्रेन करता है? इन्हें इसका जवाब ऐसे लड़कों के रील्स में मिला जो पिस्टल और बंदूक के साथ रील्स बनाते हैं। ऐसे लड़कों को ये गैंग टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। जो एकदम नए होते हैं वो यूट्यूब से ट्रेनिंग ले लेते हैं। ये खुलासा क्राइम ब्रांच के सामने बाबा सिद्दीकी के पकड़े गए शूटर्स ने किया है। हरीश कुमार और धर्मराज कश्यप भी बहराइच के एक ही गांव के थे, जहां का आरोपी शिव कुमार गौतम रहने वाला है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि शिव कुमार गौतम ने यूपी में शादियों में जश्न के दौरान की जाने वाली फायरिंग में गोली चलाना सीखा था। गौतम को ही मेन शूटर के रूप में हायर किया गया था क्योंकि वो बंदूक चलाना जानता था। पुलिस ने बताया कि गौतम ने ही कश्यप और गुरमेल सिंह को कुरला में एक किराए के घर में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी थी। हमलावरों ने करीब 4 हफ्ते तक यूट्यूब वीडियो देखकर गन को लोड करना और अनलोड करना सीखा था। बहुत से केसों में देखा गया, जैसे शायद मुंबई वाले केस में भी कुछ नाबालिग है। नाबालिग से काम कराने के 2 फायदे हैं। एक तो नाबालिग के लिए हमारा कानून देश का है वो थोड़ा सा लचीला है, तो उसमें उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, उसको सज़ा कम मिलती है, उसको बेल जल्दी हो जाती है, तो एक तो ये है। दूसरा वजह यह है कि जो क्राइम की दुनिया में जाना चाहते हैं जो लड़के, जो कि अपने आप में सोशल मीडिया, इनकी इंस्टाग्राम वगैरह, इनकी वीडियो देख देख कर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि प्रोफेशन तो हमने कोई ना कोई करना ही है। और वो ऐसे लोग हैं जिनको आगे अपना भविष्य कोई बहुत ज़्यादा सीधे सीधे प्रोफेशन में नज़र नहीं आता है, तो वो समझते हैं कि ना हमें कोई नौकरी मिलनी है ना कुछ और है। वो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हो, तो वो फिर इस लाइन में चल जाते हैं। और उनको ये दिखता है कि हम भी इस तरह लॉरेंस बिश्नोई की तरह कभी न कभी हम भी लाइमलाइट में आएंगे और हमारा भी नाम होगा। तो इस लालच में आकर दूसरा उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं या उसको इम्पोर्टेंस अपने आप में सही कहीं, जैसे नाम जिसके साथ जुड़ जाता है ना, जैसे लॉरेंस बिश्नोई के साथ में जैसे अभी आपने कई नाम लिए हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हमारा भी नाम आए। और उनको लाने के लिए इनमें भी आपस में होड़ लगी होती है, सक्सेस कौन है, सक्सेस रेट किसका है, यानी इन जो क्राइम करवाने वाले जो करने वाले जो लड़के हैं उनमें भी कौन आदमी उस काम को सही तरीके से अंजाम दे पाता है, उसको फिर आगे इसे कहते हैं ना कंपनी में प्रमोशन मिल जाती है, तो इनको भी आपस में फिर ये ऐसे प्रमोशन मिलने की ऐसी कहानियां होती है इसमें। अगर आप देखें तो लॉरेंस गैंग अमूमन नए लड़कों को रिक्रूट करता है क्योंकि ये लड़के कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद को लॉरेंस बिश्नोई के नाम के क्रेज से भी जोड़ लेते हैं। अगर बात की जाए जांच एजेंसियों की तो इन एजेंसियों के लिए इन लड़कों को ट्रेस कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है और जिस व्यक्ति के नाम की सुपारी दी गई होती है उन्हें भी इन पर शक नहीं होता। अब सही सवाल और बड़ा सवाल ये है कि इन्हें हथियार कौन मुहैया कराता है, इन्हें हथियार मिलते कहाँ से हैं और इसकी फंडिंग कहाँ से होती है। लॉरेंस का गैंग दरअसल एक कॉर्पोरेट की तरह से काम करता है। 700 शूटर्स इसमें मौजूद हैं, 70 कमांडर्स हैं जो इनको हैंडल करते हैं और साथ ही साथ लॉरेंस के गैंग में AK-47, 56 ग्रेनेड लॉन्चर जैसे तमाम हथियार जो हैं उसके इन शूटर्स तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये कि हथियार आते कैसे हैं और कैसे इन शूटर्स तक पहुँचते हैं। आप जील का एन एक्सेस कौन हैंडल करता है, ये जगह हिंदुस्तान में है या ये डील कहीं बाहर विदेश में होती है, डील करने वाला डीलर कौन है, हिंदुस्तानी या फिर कोई विदेशी। जब हमने लॉरेंस के इस पूरे हथियारों के सप्लाई के नेक्सस की तहकीकात की तो जो खुलासे सामने आए वो आपको भी चौंका देंगे। AK-47, AK-56, RPG, टिसास जिगाना पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल, लॉरेंस गैंग की आर्म्स के जखीरे में दुनिया का हर मॉडर्न हथियार है जिनकी मार्केट वैल्यू लाखों में है और इनका टारगेट रेट 100% होता है, मतलब गोली चली और मौत मिली। लॉरेंस के 700 लड़कों के ये हथियार पहली पसंद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये हथियार आखिरकार मिलते कहां से हैं? इसकी फंडिंग कौन करता है, आर्म्स डीलर कौन है, इसकी चेन कहां कहां तक जुड़ी हुई है, हमने इसकी पूरी तहकीकात की। तहकीकात में हमें NIA की एक रिपोर्ट मिली जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के मेंबर्स के बारे में
कई अहम जानकारियां हैं। जब हमने जांच की तो पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को हथियार कुछ तो देश के अंदर ही मिल जाते हैं तो कुछ विदेश में बैठे आर्म्स डीलर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके तार अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान से जुड़े हैं। कौन से गुर्गे को कौन सा हथियार देना है, इन सभी डील के अंदर लॉरेंस बिश्नोई शामिल होता है। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने खुलासा किया है कि 2021 में उसने अमेरिका से गोल्डी बराड़ के जरिए गोगी गैंग को 2 जिगाना पिस्टल दी थी। जिगाना पिस्टल वही पिस्टल है जिसका टारगेट चूकता नहीं है। अतीक और अशरफ पर भी जिगाना पिस्टल से फायरिंग की गई थी। लॉरेंस गैंग के शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला पर भी जिगाना पिस्टल से ही गोली चलाई थी। लॉरेंस के शूटर्स की पहली पसंद जिगाना पिस्टल क्यों है? लॉरेंस के शूटर्स जिगाना पिस्टल का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी पर 9mm पिस्टल से फायरिंग की गई थी। जिगाना से 15 राउंड फायरिंग एक बार में होती है। ट्रिगर से हाथ फिसलता नहीं है। शूटर्स को फायरिंग करते हुए कोई रिस्क नहीं होता। भारत में जिगाना पिस्टल बैन है। ये तुर्की में बनती है। पाकिस्तान में इसे बेहद पसंद किया जाता है। शक है कि लॉरेंस गैंग ड्रोन के जरिए इन हथियारों को पाकिस्तान के हैंडलर से मंगाता है। हथियारों की खेप की सप्लाई कहां से होती है? एनआईए और मुंबई पुलिस लॉरेंस के क्लेम की जांच कर रही है। हमारी तहकीकात में पाकिस्तान का एक लिंक भी मिला जो लॉरेंस का पाकिस्तानी हैंडलर है। कुछ दिन पहले का लॉरेंस का ये वीडियो अब फिर से वायरल है। ये वीडियो कॉल ईद के वक्त की है। दावा किया जा रहा है कि जब लॉरेंस साबरमती जेल में था तभी इसने अपने पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी से वीडियो कॉल की थी और ईद के बारे में जानकारी ली थी और अपने हैंडलर दोस्त का हाल चाल भी लिया था। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी है। नहीं नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। इसी वीडियो के बाद लॉरेंस बिश्नोई के बारे में दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान में भी एक अपना मजबूत ठिकाना बना रखा है जिसका नाम है पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी। लॉरेंस गैंग का पाकिस्तान से सारा काम शहजाद भट्टी ही देखता है। कौन है शहजाद भट्टी? डॉन शहजाद भट्टी पर पाकिस्तान में कई केस दर्ज हैं। हत्या, जमीन विवाद, हथियारों की तस्करी के मामले में इस पर कई केस दर्ज हैं। लॉरेंस की तरह ही ये विदेशों से अपना नेटवर्क चलाता है। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, दुबई में इसका नेटवर्क एक्टिव है। एजेंसियों को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क पंजाब में सबसे ज्यादा एक्टिव है। हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से शहजाद भट्टी ही करता है। ड्रोन के जरिए ये पंजाब में हथियारों की सप्लाई करता है और लॉरेंस के गुर्गे इसे कलेक्ट करते हैं। अगर ये सच है तो हिंदुस्तान के लिए लॉरेंस एक बड़ा चैलेंज है जिसकी दहशत को जल्द से जल्द काबू करना जरूरी है, वरना देश की सुरक्षा के लिए भी ये ठीक नहीं है। लॉरेंस गैंग ने अपने कई टापू विदेश में बना रखे हैं जिसमें हर जगह पर उसने कमांड सौंपी हुई है। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमांड गोल्डी बराड़ के पास है। यूएसए की कमान रोहित गोदारा के पास। पुर्तगाल यूएसए की कमान अनमोल बिश्नोई के पास। अजरबैजान, यूएई, रशिया में भी गैंग के कई हैंडलर हैं। इसके अलावा नेपाल से भी हथियार सप्लाई की चेन जुड़ रही है। यहाँ बैठे लॉरेंस गैंग के हैंडलर्स को ऑन डिमांड सप्लाई पूरी कर दी जाती है। विदेशों से आर्म्स की लॉरेंस गैंग डीलिंग करता है और देश के भीतर भी कई इलाकों से लॉरेंस गैंग को आर्म्स की सप्लाई होती है, जिसमें मध्य प्रदेश का मालवा इलाका सबसे एक्टिव टापू है, जिसमें धार, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन जैसे शहर शामिल हैं। यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ से भी हथियार मंगाए जाते हैं। बिहार में मुंगेर, खगड़िया से लॉरेंस गैंग को विदेशी हथियार हूबहू मिल जाते हैं। दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल से भी गैंग के गुर्गे आर्म्स की डील करते हैं। लेकिन सवाल है कि लॉरेंस गैंग के पास पैसे कहां से आते हैं? जैसे जैसे हथियारों की डिमांड गैंग में बढ़ती है वैसे वैसे एक्सटॉर्शन का धंधा भी बढ़ता है। लॉरेंस गैंग का जराइम का कारोबार सुपारी किलिंग और एक्सटॉर्शन से ही चलता है। चाहे शूटर्स को पैसा देना हो या आर्म्स डीलर को फंडिंग करनी हो, हवाला के जरिए की जाती है। एनआईए के सामने खुद लॉरेंस ने कबूला था कि मूसेवाला के कत्ल के लिए हवाला के जरिए 50 लाख रुपए गोल्डी बरार को पहुंचाए गए थे।
बाबा सिद्दकी की सुपारी के लिए 1 करोड़ की डिमांड आई थी, लेकिन शुभम लोनकर ने मना कर दिया था। लॉरेंस गैंग ने सुपारी किलिंग के लिए यूपी और हरियाणा के लड़कों को हायर किया था, जो सस्ते में काम को अंजाम देते हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दकी की हत्या के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे। हत्या के लिए 4 लोगों को काम पर रखा गया था और उन्होंने पैसों को बराबर बराबर बांटने की योजना बनाई थी, जिसमें हर शूटर को 50,000 रुपए मिलने थे।